वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार, आज कुछ बात करेंगे कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना का जो आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, उसका ऑनलाइन करने का क्या प्रोसेस है, कौन सा वेबसाइट में जाते हैं और कहाँ हम डॉक्यूमेंट को जमा करते हैं, आज पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है, जैसे हम यहाँ पे टाइप किए थे, तो आपको गूगल में टाइप करना है कुसुम, पीएम कुसुम योजना। यहाँ पे लिखिए गूगल में पीएम कुसुम योजना डॉट झारखंड गवर्नमेंट डॉट इन। बहुत सारा फ्रॉड भी आया है, आपको यहाँ पे टाइप कीजिएगा, आपके गूगल में इस प्रकार का होम पेज आ जाएगा। तो आप देखिएगा बहुत सारा साइट मिलेगा आपको, org.in.com इस सब में नहीं जाना है, .in आएगा उसी में। बहुत सारा फ्रॉड कंपनी है जो .com करके बना लेती है और इस जो धोखाधड़ी वेबसाइट से यहाँ पे मैसेज भी दे रहा है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना नाम पर धोखाधड़ी करने वाले वेबसाइट से सावधान रहें। तो इस प्रकार आपका साइट खुलेगा। उस प्रकार का साइट खुलने के बाद आपको यहाँ करना क्या है, फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो हम लास्ट में बताएंगे कि इस फॉर्म को भरने के बाद हम जमा कहाँ करना है और क्या है, स्टेप बाय स्टेप आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फार्मर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि एप्लीकेंट का जो नाम होगा, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल या ग्रुप जो भी लेना चाहते हैं वहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका नेम एप्लीकेंट या नाम लिख देना है, फादर का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके आधार नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिख देना है। ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। उसके बाद आपका तालुका मतलब ब्लॉक, किस ब्लॉक से आते हैं, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जिस ब्लॉक के अंदर में आते हैं, तो हर ब्लॉक के अंदर में गाँव आता है, तो आपको यहाँ से गाँव आपको सिलेक्ट कर लेना है कि किस गाँव में आप आते हैं, वो यहाँ से आपको गांव का नाम आपको सिलेक्ट यहाँ से करना है। चलिए यहाँ पे हम गांव सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ से गांव सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ब्लॉक पूछा जाएगा कि किस ब्लॉक में है, यहाँ से ब्लॉक सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से पंचायत लिखना होगा, पुलिस स्टेशन लिखना होगा, पोस्ट ऑफिस लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से पिन कोड लिखना होगा। पिन कोड लिखने के बाद यहाँ पंप का डिटेल डाला जाएगा, तो पंप का डिटेल में यहाँ पे 3 HP, 5 HP, 7 HP और 10 HP तक यहाँ ऑनलाइन में दिया गया है। तो यहाँ पे आप इसको ऑनलाइन करने से पहले इसको देखना है कि हम जैसे कोई भी 3 HP का डालते हैं, तो 3 HP का अगर 2 HP का सबसे पहले यहाँ पे दिया गया नहीं है, लेकिन 2 HP का हम डालते हैं तो उसका 5000 और 3 HP का 7000 और 5 HP का 10000 का DD बनता है। तो यहाँ पे हम 2 HP नहीं दिया हो गया है, तो यहाँ पे हम 3 HP सिलेक्ट कर लेंगे। 3 HP सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कौन सा लेना चाहते हैं वहाँ डिटेल लिखिएगा। उसके बाद आप पंप का उपकरण एक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका ऑयल लेकर के वाटर फील्ड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ जनरेशन में नो या यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डीजल नहीं करके आपको जो है जनरेटर ये सब नहीं करना है, सेलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपको आपका पे लोकेशन एड्रेस में आपको डालना है, जैसे आपको कहाँ लगाना है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने बाद ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने के बाद आप किस पंचायत या गांव में आते हैं उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्लॉक यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद पंचायत, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और पिन कोड, और उसके बाद लैंड एरिया, उसके बाद स्क्वायर फीट और लैंड रिसिप्ट मतलब कब रसीद कटवाए हैं, वो आपको यहाँ से डेट आपको डाल देना है। और डेट डालने के बाद आपको फिर दूसरा आ जाएगा कि उसके बाद यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड फॉर्म डिटेल, आपको क्या कौन सा चाहिए, SC या DC, वो सिलेक्ट कीजिएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जो पंप डिटेल यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे नहीं है तो 9 पे क्लिक कर देंगे कि मेरे पास पंप है ही नहीं, इसको 9 कर देंगे तो बाकी कुछ आपको डिटेल भरना नहीं पड़ेगा। अगर डिटेल भरिएगा तो दीजिएगा, है तो दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉस्ट है वे पे फॉर पंप, उसके बाद यहाँ पे
तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 HP डाले हैं, DC डाले हैं, यहाँ डाले हैं, इसके बाद आप वाटर फिल करके जैसे कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है 5000 जो DD बनता है वो आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 3 HP का डालते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ 7000 हो गया। तो यहाँ पे दिया गया है कि आप जितना भी डालिएगा 2, 3 और 5, तो जो भी आपको डालना है तो वहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अब हम डिटेल बोल रहा है कि आपके पास है सुविधा है कि नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे नो कर देना है, मेरे पास कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डालने के बाद उसके बाद यहाँ दूसरा आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सिंचाई का विवरण। तो यहाँ पे सिंचाई का विवरण में कर देना है, रवि खरी जो भी है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लास्ट ईयर नंबर प्रीवियस ईयर का आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यार रवि का कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ सेलेक्ट जितना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फसल जिसको बोलते हैं हम लोग गन्ना, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। बारीकी से सभी को आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ माइक्रो और ओपन जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिंचाई का मतलब यहाँ से हो गया कि सिंचाई का स्रोत, आपके पास सिंचाई का क्या स्रोत है, तो आपका पास कुआं है चाहे तालाब है चाहे डीप बोरिंग है, तो आपको डीप बोरिंग या बोरिंग है तो अंडरग्राउंड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वॉरवेल है तो वॉरवेल पे सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद साइज वॉरवेल का पूछा जाएगा, उसके बाद डीप वॉरवेल का कितना जो हॉल किया है वो कितना है और कितना आप गड्ढा तक किए हैं वो कर दीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको रसीद लैंड रसीद लगान देना है, उसके बाद यहाँ सिग्नेचर करना है और उसके बाद फोटो यहाँ से अपलोड करके सभी पे टिक करके आपको यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए तो ये हम बता दिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बारीकी से एक एक करके स्टेप बाय करके हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जो अगला पेज खुलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, यही नंबर इसको जो प्रिंट आउट मारिएगा, प्रिंट आउट करके उसके बाद ब्लॉक में आपको बीओ के जमा करने पड़ेगा। बीओ जो है वो सभी फॉर्म को लेके आपको वेरिफिकेशन करने के बाद आपका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होता है वहाँ आपको फॉर्म को जमा करना है। जैसे वहाँ पे फॉर्म को जैसे जमा करेगा, जमा करने के बाद वहाँ से अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद आपको उसके बाद आपको DD बनाना है जब बोला जाएगा तब। तो आप इस प्रकार आप ऑनलाइन कर दिए, ब्लॉक में बीओ का जमा कीजिए, उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, जब वहाँ से अप्रूव हो जाएगा तब आपका समझिएगा कि आपका सोलर पैनल के लिए आपका जो है सबमिट हो चुका है। और अप्रूव हो जाने के बाद आपका जियो टैगिंग वेरिफिकेशन जो है अगला प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीओ को जमा करना है, जो ब्लॉक के बीओ होते हैं उसको जमा करना है, उसके बाद ही आपका अगला प्रोसेस चालू होगा। तो सबसे पहले आप जितने भी फॉर्मेट भी हम एक दिखाएंगे उसका एक फॉर्मेट आता है, उसमें एक एफिडेविट करना पड़ता है, आधार कार्ड वोटर कार्ड फोटो वही सब उसमें लगा के उसके बाद जो है आपको वहाँ के और निवासी प्रमाण पत्र ये लगा के आपको ब्लॉक बीओ को जमा कर देना है। तो ये आप फॉर्मेट भी हम बता देते हैं कि फॉर्मेट कहाँ से डाउनलोड करना है। तो यहाँ से तो हम बैग आ जाते हैं, यहाँ से हमको कुछ पंप जो डिटेल में है ना ये इसको आपको नो कर देना है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास पंप वंप है तो ये डिटेल पूरा भरना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको नो पे क्लिक कर देना, तो यह रखना हम क्योंकि यस कर दिए थे और हम बता रहे थे, तो यहाँ पे नो कर देना है और बाकी आपको डिटेल पे भरना है। तो चलिए हम फॉर्म को देखते हैं कि फॉर्म कहाँ से हमको मिलेगा। तो अगर यहाँ से अगर फॉर्म देखते हैं, अगर फॉर्म आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करेंगे, ब्लॉक में जाके बीओ से या नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे आपको PDF का फॉर्मेट हम दे देंगे फॉर्म का, तो उसमें फॉर्म को भर लेना है। तो दिखाते हैं फॉर्म किस प्रकार आता है। तो ये आपको जिला आवेदन संख्या लिखना है, ये आपका फॉर्मेट आ जाएगा, ये फॉर्मेट सोलर का जाएगा। यहाँ पे क्या कैसे नाम भर देना है, पिता का नाम जैसे आप ऑनलाइन किए हैं सेम वैसी प्रकार को यहाँ पे आपको भरना है, मोबाइल नंबर कुछ विशेष नहीं भरना है, जो आप ऑनलाइन किए हैं सेम सिंचाई के लिए आपके पास क्या है, कूप वॉरवेलिंग तालाब नहर नदी जो भी है वो आपको यहाँ पे जैसे आप ऑनलाइन किए हैं सेम वैसे ही आपको यहाँ पे फुलफिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करना है, लाभुक का नाम लिखना है, सेम कोई विशेष चीज नहीं है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन कर लेना है, ऑनलाइन करने के बाद यह आपको बीओ को जमा कर देना है। तो इस प्रकार आप ऑनलाइन कर सकते हैं और
जो है सोलर पैनल और बोरिंग जो भी है सोलर का आप लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।